नमस्कार, मैं सीपी ब्रह्मा और आप देख रहे हैं .com न्यूज में कला एवं सांस्कृतिक पन्ना। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 23वें कला मेले में बिखरे रंगों को 8 फरवरी को समेट लिया गया। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा आयोजित कला मेले में देश प्रदेश के वरिष्ठ एवं नवोदित कलाकारों ने भाग लिया। जयपुर के कला प्रेमियों ने 6 दिवसीय इस कला मेले में रियलिस्टिक अमूर्त चित्रों, विभिन्न प्रकार के टेक्निक से बनाए प्रिंट मूर्तिकला को देखा, परखा और कलाकारों के काम को सराहा। कला मेले में प्रशिक्षित दक्ष कलाकारों के साथ उन कलाकारों ने भी अपने काम को प्रदर्शित किया जिन्होंने कला की शिक्षा विधिवत नहीं ली। अपनी कल्पना और सृजनशीलता से उकेरे चित्रों इंस्टॉलेशन में इन कलाकारों ने अपने आसपास के माहौल को आत्मसात करते हुए बेकार समझकर बाहर फेंक दिए कबाड़ से सशक्त अभिव्यक्ति कला समीक्षकों कला प्रेमियों के सामने रखी। ऐसे ही एक कलाकार शीला पुरोहित से हमने बात की जिन्होंने परिश्रम करते किसान और बैलों की मनोदिशा को पेपर मेसी के इंस्टॉलेशन के माध्यम से प्रदर्शित किया। मैं शीला पुरोहित जयपुर से, मैं एक साधारण गृहिणी हूँ और मैं आर्ट करना चाहती हूँ। मेरे मन में जो चलता है मैं उसको अभिव्यक्त करना चाहती हूँ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है। जैसे ये मैंने बनाया पेपर मेशी और स्क्रैप से। मैं ज़्यादातर अपने काम में इस कबाड़ को ही यूज़ करना चाहती हूँ। वो चीज़ें जो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है दुनिया के लिए, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब तक वो थी तब तक अपन उसका इतना सम्मान करते थे, अब जब वो कचरे में मिलने जा रही है तो वो भी, उसको भी लगता होगा कि हमारे साथ क्या दुर्गति हो रही है हमारी। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं खुद के लिए वैल्यू चाहती हूँ, तो वैसे लगता है हर चीज़ वैल्यू चाहती है अपनी। तो मैं अपने आर्ट में वही चीज़ें लेती हूँ जो कि बिल्कुल बेकार हो चुकी होती है और उसी में मुझे अच्छा लगता है काम करना। और मैं मेरी तरफ से कोई और कचरा नहीं छोड़ के जाना चाहती। और मैं बातें करती हूँ जानवरों से, वस्तुओं से, प्रकृति से। तो मुझे मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ी थी और अभी मैंने डॉगी भी पाला हुआ है, तो उनसे समझ में आता है कि जानवर बिल्कुल वैसा ही सोचते हैं जैसे अपन सोचते हैं, हर बात समझते हैं, हर भावनाएं समझते हैं। तो मैंने बैलों के लिए काम करने का सोचा। मैंने एक YouTube पे देखा था थोड़े दिन पहले, एक बच्चे ने बैलगाड़ी को ऐसे कन्वर्ट किया हुआ है जिससे कि वो आसानी से चल रही है। तो मुझे लगा कि अपने यहाँ पे भी तो कितने सारे बैल ऐसे घूम रहे हैं, गौशाला में दुर्गति हो रही है उनकी और जंगलों में भूखे घूम रहे हैं या फिर उनको काटने को छोड़ दिया जाता है। और ये जयपुर तो पर्यटक स्थल है ही ना, तो क्यों ना बैलगाड़ी को कुछ ऐसा बना दिया जाए कि वो नवीनीकरण हो जाए, वो और सुंदर हो जाए और बैलों को आसानी हो जाए काम करने में। तो ये सब कॉन्सेप्ट लेके मैंने ये बनाया मेरा आर्टवर्क। और ऐसा ना हो जाए आगे चल के कि अपन बच्चों को बोले कि कभी बैल हुआ करते थे। तो मैंने ये बनाया है, इसमें मैंने बैलों की पीड़ा दिखाई है। काम तो ये कर रहे हैं और गरीबी चल रही है, खेत वेत ख़त्म हो रहे हैं, तो किसान काम करवाना चाह रहा है इनसे बहुत ज़्यादा, इनसे हो नहीं पा रहा। ये भी परेशान है, ये भी परेशान है, ये बोझा ढो रहे हैं ये। और मैं ये भी नहीं बोल रही कि इनसे काम मत करवाओ। मैं उसमें मैंने दिखाया है कि बैलगाड़ी को चेंज करके मैंने एक पहिया लगाया और इसमें बैल आसानी से काम कर पा रहे हैं और आसानी से चल रहे हैं। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों में शेयर भी करें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।